हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। ओके गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके और अगर गाइस आप लोग हीलिंग पोएट्रीज को सुनना चाहते हो तो आप एम्प्रेट 555 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस, कोई भी कमेंट सेक्शन में अगर मेरी डीपी लगाकर आपको नंबर देता है प्लीज व्हाट्सएप मी, तो आप ऐसा रिप्लाई ना करें उसका, ठीक है। वो लोग फ्रॉड है जो आपको नंबर दे रहे हैं, ठीक है गाइस, वो लोग बिल्कुल फ्रॉड है जो आपको नंबर दे रहे हैं, वो मैं नहीं हूं, ठीक है। अगर आप लोग कोई पेमेंट करते हो तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ओके चलिए कोशिश करते हैं गाइस देखने की कि आपके पर्सन आपको लेकर किस तरह के सपने देखते हैं, क्या सपने देखते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर किस तरह के सपने देखते हैं, यानी कि क्या देखते हैं, किस तरह की डे ड्रीमिंग करते हैं। प्लीज गाइड मी एंजल्स। सिक्स ऑफ कप्स, वाओ, पहली ही कार्ड धमाकेदार आया है गाइस, रीडिंग स्टार्ट होते ही मजा आ जाता। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मून, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किस तरह की डे ड्रीमिंग करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, जजमेंट, एट ऑफ कप्स, कोई और कार्ड भी अनफोल्ड हुआ था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वन मोर कार्ड, फिर नाइन ऑफ कप्स। ओके तो किस तरीके की आपके पर्सन की एनर्जीज हैं गाइस, चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि ये आपको आपको लेकर किस तरीके के सपने देखते हैं, मतलब क्या इमेजिनेशन रहती है, क्या डे ड्रीमिंग करते हैं ये। आज हम राज निकालते हैं गाइस, बहुत अच्छे अच्छे, सो आप रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके सो गाइस, यहां पर क्या नजर आ रहा है, यहां पर सबसे पहला कार्ड आया था सिक्स ऑफ कप्स का, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड गाइज यहाँ पर ये दिखा रहा था कि आपके जो भी पर्सन हैं वो यहाँ पर जब भी अकेले बैठते हैं या आपको लेकर कोई डे ड्रीमिंग करते हैं या कोई किसी भी तरीके का सपना देखते हैं तो वो इस तरीके के होते हैं कि आप दोनों अकेले हो, ठीक है, और बहुत सारी प्यार की मेमोरीज को आप बना रहे हो, ठीक है, मतलब यादगार पल आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसे डिफरेंट चीजें करके, जैसे गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, अकेले में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, बहुत सारी बातें करना जहां पर सिर्फ आप दोनों हो और कोई ना हो, ठीक है, जहां पर सिर्फ आप दोनों हो और कोई ना हो। इनको ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती होंगी जहां पर काफी ग्रीनरी हो, पेड़ पौधे हो, ठीक है, जहां पर जैसे साउथ में रहती है गाइस, ठीक है, केरल वगैरह में जहां पर काफी ज्यादा ग्रीनरी रहती है, ठीक है, इस तरीके की मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, इस तरीके की जगह आपके पर्सन टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचते हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हिल स्टेशंस बहुत ज्यादा पसंद हो, ठीक है, हिल स्टेशंस पर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और ये आपको बहुत सारे फ्लावर्स ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब ये आपको बहुत सारे फ्लावर्स ऑफर कर रहे हैं, इस तरीके की डे ड्रीमिंग करते हैं, इस तरीके के सपने देखते हैं जहां पर आप दोनों अकेले हो, कोई भी नहीं है, ठीक है, और ये आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं, ये आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पर
डिमांड कर रहे हो और ये कंप्लीट कर रहे हैं, इस तरीके की आपके पर्सन इमेजिनेशन करते हैं, इस तरीके के सपने आपके पर्सन देखते हैं गाइस, ठीक है। मुझे यहाँ पर ना सिक्स ऑफ कप्स को देखकर ये लग रहा है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से इस तरीके से सोचते हैं कि आप हो और ये हो और कोई भी ना हो, ठीक है। इस तरीके की इमेजिनेशन आपके पर्सन करते हैं, इस तरीके के सपने देखते हैं, इस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है गाइस। ये आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, पता नहीं गाइस इन्होंने आपको बताया है या नहीं, लेकिन आप इनके लिए बहुत ज्यादा खास हो, आप इनके लिए एक ऐसे इंसान हो, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा मन्नतें करनी पड़ेंगी जिसको पाने के लिए, ठीक है। सो आपके पर्सन इस तरीके से भी आपको मानते हैं कि बस एक बार आप उन्हें मिल जाओ, एक बार मतलब इनकी ख्वाहिश है कि ये आपको पा लें, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर, सो आपको पाने की चाहत इनकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कभी भी अगर आपसे दूर होते हैं कुछ समय के लिए भी गाइस, तो हमेशा ये यही सोचते हैं कि आप ही के साथ इनकी नई शुरुआत हो जाए, किस्मत इनको आपसे मिला दे, ठीक है। इस तरीके की इमेजिनेशन करते रहते हैं। मुझे लगता है गाइस ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये मतलब ऐसा लग रहा है कि बस खोए रहते हैं, सिर्फ सोचते ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स का कार्ड भी यही दिखा रहा है गाइस कि इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके लिए इनकी सारी खुशियों को पूरा कर दोगे, ठीक है। मतलब जब आप इनकी लाइफ में आ जाओगे तो इनकी सारी खुशियां ऑटोमेटिक पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी इमेजिन करते हैं कि आप हो, फिर आपके साथ इनके पास बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, आप लोग बहुत मस्ती कर रहे हो, आप लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, मतलब जो भी खुशियां होती है ना इंसान की, जो भी विशेज होती हैं, ठीक है, जो भी आपके पर्सन विशेज करते हैं गाइस, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में हो तो वो सारी विशेज वो पूरी कर सकते हैं और आपके साथ करना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज में ना गाइस ये दिखाई देता है कि ये सारी खुशियां आपके साथ पूरी करना चाहते हैं, तो ये इसी तरीके से इमेजिन करते हैं कि आप साथ में हो और ये सब चीजें हो रही हैं। देखिए, इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी क्यों ना अचीव किया हो, कितना भी बड़ा कुछ भी क्यों ना अचीव किया हो, लेकिन इनकी एनर्जीज में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जब ये खुशियों के बारे में या फिर कुछ भी चीज के बारे में सोचते हैं तो इनके मन में सबसे पहला ख्याल आपका आता है कि आप साथ हो, मतलब ये सारी खुशियां आपके साथ देखते हैं गाइस। ये इस तरीके से इमेजिन करते हैं, जैसे अगर ये कहीं घूमना चाहते हैं तो ये इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि ये आपके साथ घूम रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है एक तरीके से ना गाइस। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लिए बहुत लकी इंसान हो, अगर आप उनकी लाइफ में हो तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर इस तरीके की भी ड्रीम्स रखते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो तो उनके काम नहीं रुक रहे, उनके काम सब बन रहे हैं, ठीक है। आप मतलब अगर आप ये भी बोलोगे ना कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, वो कितनी भी कॉस्टली क्यों ना हो, लेकिन आपके पर्सन पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए ला कर दें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप जब उनकी लाइफ में रहते हो तो उनके कोई काम रुकते नहीं है, जो भी वो विश करते हैं, जो भी वो पाना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है। और कहीं ना कहीं गाइस आपके पर्सन इस तरीके से भी यहाँ पर विश करते कि आप उनसे बोलो कि मैं ये चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है, प्लीज पूरी कर दो, तो आपके पर्सन पूरी कर देंगे, मतलब वो पूरी तरीके से साथ देना चाहते हैं आपके। ऐसे ही है ना गाइस समय चक्र, तो मुझे ये लगता है कि गाइस आपके पर्सन ऐसा ही सोचते हैं कि जो आपके साथ जो उनका टाइम चलता है, जब जब आप उनकी लाइफ में हो तो जब वो जो टाइम चलता है ना वो बहुत खास होता है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस तरीके से भी इमेजिन करते हैं कि आप हो, ये है, और लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, हर तरफ खुशियां हैं, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। इस तरीके से गाइस ये सपने देखते रहते हैं। मुझे तो लगता है गाइस बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं क्या, बहुत ज्यादा सोचते हैं। यहां पर भी देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन गाइस पता है कुछ इस तरीके की एनर्जीज में भी रहते हैं कि ये आपसे डरते हैं। मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स को देखकर कि आपके पर्सन डरते हैं। किस तरीके से डरते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खास हो, ठीक है, इनको ऐसा फील होता है लिटरली कि आप बहुत खास हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ बढ़ते हैं या फिर ये आपकी तरफ आते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जब भी आप अपने पर्सन की लाइफ में रहे हो तो इन्होंने जब भी आपसे कुछ बोला है, जितनी भी बातें बोली हैं, बड़ी सोच सोच कर बोली होंगी, क्योंकि ये पर्सन कोई भी काम करने से पहले सोचते बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, कि कहीं आपको कोई बात बुरी तो नहीं लग जाएगी, कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं बोल देंगी कि आपको हर्ट हो जाए।
तो बहुत सोच सोच कर इन्होंने रिश्ते में कदम बढ़ाए होंगे। आप दोनों के रिश्ते को इन्होंने बहुत सोच सोच कर चलाया होगा। ये कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचते होंगे, और आपके पर्सन इस तरीके से इमेजिन भी करते हैं गाइस, इसी तरीके से इमेजिन करते हैं। मुझे लगता है कि आप आपके साथ हैं, ठीक है, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, तो क्या करोगे, हाँ करोगे कि ना करोगे। मतलब आपके पर्सन अगर सोचते भी है ना कोई चीज आपको ऑफर करने के बारे में, कुछ देने के बारे में, तो इनको इनके दिमाग में पहले ये चलता है कि आप वो चीज एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं करोगे, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि एक्शन में तो ये स्लो है, लेकिन ये अपनी इमेजिनेशन में भी स्लो है, ठीक है। वहां पर भी इसी तरीके से सोचते हैं कि क्या वो मान जाएगी, क्या वो मान जाएगा, क्या वो एक्सेप्ट करेगा, क्या वो एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी से तो मुझे नहीं लगता गाइस कि कोई इमेजिनेशन जब कर रहा है या सपने देख रहा है तब भी इतना सोच सोच कर सपने देख रहा है। मतलब कमाल ही है आपके पर्सन। यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है गाइस कि ये अपने सपनों में भी ना आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। मतलब किस तरीके से, अगर ये कोई ड्रीम देख रहे हैं तो वहां पर भी ये सोचते हैं कि आपको कुछ ना हो, आपको खरोंच भी ना आए, आपको कोई भी परेशानी ना हो। मतलब उस वहां पर भी ना ये पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ये इंसान आपकी केयर बहुत ज्यादा करते हैं, और ये जो जिस तरीके की ये ड्रीम्स देखते हैं या इमेजिनेशन करते हैं उसमें हमेशा ही ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी चीजें हो रही हैं, ड्रीम्स में भी हो रही गाइस, अचानक से कुछ भी ऐसा हो रहा है तो इनकी सोल आपको प्रोटेक्ट करती है। इस तरीके के ड्रीम्स भी ये देखते हैं, ठीक है। ये आपको खोना नहीं चाहते, लिटरली आपके पर्सन अपने सपनों में भी इसी तरीके के इसी तरीके का इमेजिन करते हैं कि ये आपको खो नहीं, कहीं आपको खो तो नहीं देंगे। मतलब इनके अंदर मुझे खोने का डर दिखाई देता है, ठीक है। ये इस तरीके से भी इमेजिन करते हैं गाइस कि आप इनसे दूर ना जाओ, ठीक है। ये इसी तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, इसी तरीके से इमेजिन करते हैं कि आप इनसे कभी दूर ना रहो, आप हमेशा इनके पास रहो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। मून का कार्ड गाइस यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन ना आपके सामने बहुत ज्यादा खुलते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपके पर्सन आपके सामने खुलते हैं, ठीक है, जब वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जब आपके पर्सन पूरी तरीके से अंदर से टूटे हुए होते हैं तो वो आपके सामने आपके सामने खुलते हैं, आपके सामने वो अपनी सारी बातें कह देते हैं दिल खोल के, ठीक है। कुछ ऐसी बातें भी जो शायद वो किसी के साथ शेयर ना करते हो वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है गाइज, आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ गाइस कि जब भी कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, ये सपने देख रहे होते हैं, तो उन सारे सपनों में भी ना ये इसी तरीके से देख रहे होते हैं कि आप सामने हो और आपसे ये सब कुछ बोल रहे हैं, सारी बातें दिल खोल कर बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके पर्सन जब इमोशनल हो जाते हैं ना, या किसी बात का इनको हर्ट हो जाता है या कुछ बुरा लग जाता है, तो इनको चाहिए रहता है एक इमोशनल सपोर्ट, और वो अच्छा इमोशनल सपोर्ट आप देते हो तो ये आपको अपनी सारी बातें बता देते हैं गाइस। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी मून के कार्ड को देखकर फील हुई है। एंड आपके पर्सन ना गाइज, मुझे एनर्जीज को देखकर ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा डर रहता है, ठीक है। आप पास्ट में जब भी आपके पर्सन ने इमेजिनेशन की है आपको लेकर, या कोई सपने देखे हैं, मैनिफेस्टेशन की है, तो एक डर में की है, ठीक है। इनको मतलब एक डर में की है, मतलब ये मैनिफेस्ट करते थे तो इस तरीके से करते थे, वो मुझे मिल तो जाएगी ना, वो मुझे मिल तो जाएगा ना, ऐसा ना हो यार मैं इतना ज्यादा सोच रहा हूँ, इतना ज्यादा सोच रही हूँ और ये मुझसे दूर हो जाए, ठीक है। मैं इस तरीके की एनर्जीज देख रही हूँ, क्योंकि डेविल का कार्ड भी है यहाँ पर, ठीक है। तो डेविल का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है गाइस कि ये पर्सन ने जब भी आपके बारे में सोचा है ना, तो नेगेटिव होकर सोचा है। मतलब इस इंसान को ना इतना डर था, जैसे होता है ना कि किसी चीज, कोई इंसान है जिसने कभी इमेजिन नहीं किया कि उसे हीरा पड़ा मिल जाएगा, और उसे हीरा पड़ा मिल गया, तो वो उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे ये पकड़े हुए है, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करके रखता है कि ये हीरा कहीं मुझसे खो ना जाए। तो आपके पर्सन को वो जो खोने का डर था ना, उस खोने के डर के साथ ही आपके पर्सन हमेशा से मैनिफेस्ट करते आए हैं, और आज तक गाइस जब भी ये कोई चीज ड्रीम्स में देखते हैं, या फिर इनको गाइज इसी तरीके के ड्रीम्स भी आते होंगे जहां पर इनको डर लगता होगा कि आप दूर जा रहे हो या आप इनसे अलग हो रहे हो, क्योंकि इंसान के मन में डर है ये चीज, ये आपको खोना नहीं चाहते। आपको इन्होंने शायद ये चीज कभी एक्सप्लेन की हो, या फिर जताई हो ना जताई हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि इंसान कभी भी आपको खोना नहीं चाहते। इनकी सारी खुशियां आपसे पूरी होती हैं, और ये जब भी आपको लेकर सोचते हैं ना, तो इनको इतना ज्यादा डर इनके मन में आ जाता है कि ये आप इनसे दूर हो जाओगे, आप इन्हें खो दोगे, ये आपको खो देंगे। और
इस डर की वजह से भी ना बहुत सारे चीजें आपके पर्सन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कर लेते का मतलब कि आपके पर्सन ने पास्ट में ऐसा भी किया है। मुझे एनर्जीज को रीड करके ये समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें जो आप दोनों के बीच में हुई भी नहीं है, वो भी आपके पर्सन ने अपनी इमेजिनेशन के कारण क्रिएट की है और उनको लेकर डिसीजन भी ले लिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने हो सकता है कोई बात बोली ही ना हो, लेकिन आपके पर्सन के मन के डर की वजह से उनको ऐसा लगा हो कि ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, और वो चीजें सोचने के बाद आपके पर्सन ने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो पास्ट में। ये मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा डरता है ना, वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज करता है, और जब कोई इंसान अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है ना गाइस, तो फिर वो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाता है। आपके पर्सन का सबसे बड़ा डर है आपको खोने का डर, ठीक है। और इसी डर की वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको दूर कर दिया हो, ठीक है, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस था वही चला गया। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, इसीलिए मैं आपको ये बोला, ठीक है। ये इंसान हमेशा ना गाइस जिस तरीके से भी इमेजिन करते हैं कि आपको प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत फिल्मी स्टाइल में प्रपोज कर रहे हैं, अच्छी शायरी वायरी के साथ, ठीक है, और मतलब बहुत अच्छी जगह है बीच पर। मुझे स्पेशली पेज ऑफ कप्स को देखकर एनर्जी आ रही बीच की, ठीक है, जहां पर बीच है, बीच के आसपास ही आपको प्रपोज कर रहे हैं। इस तरीके की इमेजिनेशन भी ये पर्सन करते हैं। गाइस देखिए, इमेजिनेशन में इनके मन में आपको लेकर अट्रैक्शन भी बहुत जबरदस्त होता है। डेविल का कार्ड दिखा रहा है कि ये मतलब काफी ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करते हैं, तो ये इस तरीके से भी इमेजिन करते हैं कि आप लोग काफी ज्यादा क्लोज हो, एक दूसरे के साथ अच्छा और बहुत करीबी टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, मतलब बहुत लविंग मोमेंट्स और डीप, एकदम मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है डेविल के कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन इमेजिनेशन भी बहुत अव्वल दर्जे की करते हैं आपके साथ। काफी अट्रैक्शन, काफी फायर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर गाइस नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सो आपके पर्सन इस तरीके से भी इमेजिन करते हैं, इस तरीके से भी सपने देखते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश जी रहे हैं आपके साथ, ठीक है। मतलब आपके साथ अगर आपके पर्सन होते हैं गाइस और आप दोनों बात भी नहीं कर रहे कुछ समय के, लेकिन पता है कि आप उनके हो और वो आपके हैं, ठीक है, तो आपके पर्सन तब भी बहुत खुश जीते हैं। मतलब आपकी आपका उनके दिमाग में रहना ही उनको बहुत ज्यादा खुशी देता है। ये मुझे एनर्जी इस नाइन ऑफ पेंटिकल्स को देखकर समझ में आ रही है कि आप सिर्फ उनके दिमाग में ही रहो और उनको ये चीज पता हो कि आप सिर्फ उनके हो, आप उनसे कभी दूर नहीं जाओगे, तो आप उनकी आंखों के सामने भी ना रहो तभी भी वो बहुत खुशी के साथ जीते हैं। मतलब सिर्फ ये चीज का दिमाग में होना कि आप सिर्फ उनके हो, यही उनको इतनी खुशी देता है कि वो केयर फ्री जिंदगी जीने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जिंदगी में सब कुछ मिल गया, ठीक है, जिंदगी में सब कुछ मिल गया। आपके पर्सन को ये वाली फीलिंग आती है आपके साथ, आप उनकी लाइफ में होते हो तो उनको लगता है कि सब कुछ मिल गया, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छा खासा इमेजिन करते हैं गाइज आपके पर्सन, ठीक है, आपको बहुत अच्छा मानते हैं। एक तो मुझे नाइन ऑफ पेंटिकल्स को देख के ये भी लग रहा है कि ये आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस में देखना चाहते हो, और डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस में भी आपको इमेजिन करते हैं, और आपके हेयर्स आपके पर्सन को काफी ज्यादा पसंद है, आपकी ड्रेसिंग सेंस आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है, ड्रेसेस आप जो भी कैरी करते हो वो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है, और आपके अंदर आपका जो इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, सेल्फ लव है, सब चीजें आपके पर्सन को काफी ज्यादा पसंद है आपके अंदर। और गाइज ये चीजें आपको काफी अट्रैक्टिव भी बनाती हैं, सो आपके पर्सन अट्रैक्शन भी फील करते हैं जैसा मैंने कहा, तो बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं गाइज ये आपको लेकर, ठीक है। इनको ऐसा भी फील होता है कि आप इनकी जिंदगी में हो तो ये केयर फ्री जिंदगी जिएंगे। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड दे दिखा रहे गाइज कि ये आपके साथ दुनिया की अलग अलग प्लेसेस को लेकर भी इमेजिन करते रहते हैं कि आप यहाँ घूम रहे हो, आप इस जगह पर घूम रहे हो, आप उस जगह पर घूम रहे हो, इस तरीके की भी इमेजिनेशन आपके पर्सन करते हैं, ठीक है, मतलब दुनिया घूमना चाहते हैं ये भी नजर आ रहा है। तो कभी डिफरेंट प्लेसेस पर, मुझे लगता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर इमेजिन करते रहते हैं कि आप लोग घूम रहे हो। जजमेंट का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस के आपके पर्सन इस तरीके से भी इमेजिन करते हैं आपको, ठीक है, आपके बारे में इस तरीके से भी सपने देखते हैं ये कि आप इनकी लाइफ में हो तो
इनकी लाइफ में ये कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते, ना ही आपकी आप दोनों की लाइफ में कुछ गलत हो सकता। ठीक है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस ये पर्सन आपके ऊपर रखते हैं, जजमेंट को कार्ड को देखकर मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को इतना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप जिस भी चीज को जज करोगे वो कभी कुछ गलत नहीं होगी और आप कभी कुछ गलत नहीं करोगे और ना ही आप करोगे ना ही आप करने दोगे। तो एक तरीके से आपके पर्सन को एक ऐसी वाइब आती है आपके साथ कि आप इनकी लाइफ में हो तो इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता, सारी चीजें पॉजिटिव ही पॉजिटिव होंगी। ठीक है, मतलब कि आपकी जजमेंट पर बहुत ज्यादा भरोसा रहता है इनको, और आपकी जजमेंट के बाद इनको डिवाइन की जजमेंट पर भी बहुत ज्यादा भरोसा रहता है, क्योंकि डिवाइन से शायद आप ज्यादा कनेक्ट हो, आपके पर्सन उतने ज्यादा कनेक्ट नहीं है डिवाइन के साथ, लेकिन आप इतने ज्यादा डिवोटी हो डिवाइन के कि एक तरीके से आप ही के अंदर ये एक एंजेलिक वाइब देखते हैं। तो आपको लेकर ये इस तरीके से भी सपने देखते हैं कि मेरी लाइफ में वो है तो फिर टेंशन किस बात की, वो है तो डिवाइन भी मेरे पक्ष में है, ईश्वर भी मेरे पक्ष में है, सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। इस तरीके से भी गाइज ये इमेजिन करते हैं, मुझे ये एनर्जी आ रही है। एट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों ही कार्ड्स ये दिखा रहे हैं गाइज कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कभी मूव ऑन किया है या ब्रेकअप किया है तो ये फिर रोए हैं। ठीक है, ये रोए हैं और गाइज ये इमेजिन करते करते यानी कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेम भी करते हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अगर इन्होंने पास्ट में आपके प्यार के साथ मूव ऑन करने की कोशिश की है या फिर आपके साथ ब्रेकअप करने की कोशिश की है तो उसके बाद आपके पर्सन का जो हाल रहा है वो बिल्कुल बेहाल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पर्सन को खाना खाने में और पानी पीने में भी मन नहीं लग रहा था, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स को देखकर आ रही हैं कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा टूट जाते हैं अगर वो आपसे दूर होते हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ का वो हिस्सा हो जो अगर उनके साथ में है तो सिर्फ नाम मात्र अगर कोई बोल दे कि आप उनके साथ हो तो भी वो जिंदगी में बहुत खुश और बहुत अच्छे से जी सकते हैं सिर्फ सुनने मात्र से। मतलब ये भी जरूरी नहीं कि आप उनके साथ ही पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हो, बस आपका साथ होना चाहिए भले ही आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। इतना आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इतनी सारी आपकी बातें उन पर अफेक्ट डालती हैं गाइस, आप पूरी तरीके से अपने पर्सन के मन पर छाए हुए हो। ठीक है, उनको ऐसा भी लगता है गाइस कि आप अगर उनके साथ में हो तो आप कभी भी उनको चीट नहीं कर सकता, लॉयल मानते हैं आपको। सो ये इस तरीके से भी इमेजिन करते हैं कि आप दोनों साथ हो और आप दोनों का कभी कोई ब्रेकअप नहीं हो सकता है। ठीक है, आप दोनों कभी एक दूसरे के साथ मूव ऑन नहीं कर सकते हो। सो आपको लेकर ये काफी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है गाइस। आपके पर्सन सोचते बहुत अच्छा है लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि सोच सोच में इनके डर हावी होता है, तो जब इनके डर हावी होता है तो कुछ कुछ ये चीजें नेगेटिव भी मैनिफेस्ट कर ले जाते हैं, ये मुझे एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, सो गाइज ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।